हाय, गुड मॉर्निंग। आज के डिवोशन के लिए पहले कुरिन्थियों का दूसरा अध्याय वर्स नंबर 14 से 16 पढ़ेंगे और फिर तीसरे अध्याय की पहली दो पंक्तियां पढ़ेंगे। इस प्रकार से है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसके जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी को जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। तीसरे अध्याय पहली और दूसरी पंक्ति। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। तीन प्रकार के लोग हैं बाइबल में जिसके यहाँ पे लिखा गया है। पहला, नेचुरल मैन, यानी स्वाभाविक मनुष्य जो परमेश्वर को जानता भी नहीं है। दूसरा, कार्नल मैन, यानी शारीरिक मनुष्य जो परमेश्वर को जानता है लेकिन उसके नियंत्रण में नहीं है। और तीसरा है आत्मिक मनुष्य। ये तीन लोगों के बारे में बाइबल हमें सिखाती है। नाउ, स्वाभाविक मनुष्य क्या है? नेचुरल मैन। इस व्यक्ति के लिए परमेश्वर की आत्मा की बातें मूर्खता है। ये परमेश्वर को जानता नहीं है, ये विश्वासी नहीं है, आत्मिक बातों के बारे में से बिल्कुल समझ नहीं। दूसरा प्रकार का मनुष्य है, वो है शारीरिक मनुष्य। शारीरिक मनुष्य उद्धार पाया हुआ है, नया हृदय मिला है उसको, लेकिन वो ये चुनता है कि आत्मा की अगुवाई में नहीं जिएगा, अपने मन मर्जी के अनुसार जिएगा, पुराने पापी स्वभाव के अधीन होके जिएगा। परमेश्वर की पवित्र आत्मा जिस तरह से उसकी अगुवाई करती है उसमें उसको कोई रुचि नहीं है। उसके मन में क्या है, वो क्या करना चाहता है, वो उसके लिए ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर का इस व्यक्ति के ऊपर, भले ही ये विश्वासी है, कोई नियंत्रण नहीं। इब्रानी 5:12 में इसके बारे में लिखा है कि ये अभी भी मसीह में छोटे बच्चे हैं, बालक हैं। ये बच्चों की तरह बर्ताव करते हैं, बहुत जल्दी नाराज हो जाएंगे, बहुत जल्दी इनको कोई चीज बुरी लग जाएगी। यीशु मसीह में बढ़ते नहीं है, लेकिन बच्चों जैसा बर्ताव, हर चीज में बचपना, पवित्र आत्मा के अधीन में चलते नहीं है, पवित्र आत्मा का फल इनके जीवन से दिखता नहीं है। और कहीं पर भी बाइबल में इन दो व्यक्तियों की तरह जीने के लिए बाइबल नहीं कहती है। लेकिन एक तीसरा प्रकार का मनुष्य है और वो है आत्मिक मनुष्य। और परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है कि हम सब में से हर एक लोग इस आत्मिक मनुष्य की तरह हो, पुरुष हो या स्त्री हो, लेकिन ये आत्मिक मनुष्य की तरह हो। इसकी पहचान क्या है? ये व्यक्ति नम्र है। भजन संहिता 25:9 में लिखा है कि ये नम्र होके सुनते हैं और परमेश्वर की आवाज पर आनंदित होते हैं। जब ये परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और अपने जीवन में इसका उपयोग करते हैं। इस तरह से नहीं कि इसके बात सुनी उसकी नहीं सुनी, परमेश्वर का वचन चाहे जो भी बोल रहा हो उसको स्वीकारते हैं और अपने जीवन में इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि मतलब क्या है? पॉइंट नंबर एक, पहले यूहन्ना 5:8, पवित्र आत्मा के सामर्थ के अधीन रहते हैं। दूसरा, फिलिपियों का 2:5, ये दिल से नम्र हैं, अपने बारे में नहीं सोचते, दूसरों के बारे में इनका मन लगा रहता है। तीसरा, यूहन्ना 13:1-13 में, दूसरों की सेवा करते हैं। उनकी कौन सेवा कर रहा है उसके बारे में उनको परवाह नहीं है, दूसरों को सेवा करने में मगन हो जाते हैं। चौथा, गलातियों के 5:16-25 में, पवित्र आत्मा का फल उनके जीवन में साफ रूप से दिखाई देता है। पांचवा, ज़करिया 12 में, उनके अंदर प्रार्थना की आत्मा है, उन्हें बोलना नहीं पड़ता प्रार्थना करने के लिए, वो प्रार्थना करते हैं। छठा, वो प्रेम करते हैं, दूसरों को जांचते नहीं, उनका न्याय नहीं करते, उनके बारे में नहीं कहते ये ऐसा है ये वैसा है, उनका वो काम नहीं है। पहले कुरिन्थियों 13 अध्याय की बात है।
कि वो प्रेम करते हैं। हाँ, परख है उनको अच्छाई और बुराई की, क्योंकि पवित्र आत्मा के नियंत्रण में है, लेकिन दूसरों को जांचते नहीं, दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है उससे उनका नहीं। और आखिरी एफिजियंस 4:1-3 में परमेश्वर की देह में एकता बनाए रखते हैं, शांति बनाए रखते हैं, विभाजन की बातें नहीं करते। पासवान और लोगों के बीच में उनको अलग करने के लिए कुछ नहीं कहते, किसी के मन में शंका नहीं डालते, लेकिन शांति डालते। तोड़ने की बातें नहीं करते, जोड़ने की बातें करते। किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं करते, लेकिन परमेश्वर को ऊंचा उठाने की बात करते। ये तीनों जो मनुष्य के बारे में बात की है, उसमें से हम पहली कैटेगरी में नहीं आते, हमने यीशु को स्वीकारा है। लेकिन शारीरिक विश्वासी और आत्मिक विश्वासी, ये हमारा चुनाव है। लेकिन वचन में लिखा है कि परमेश्वर आत्मिक विश्वासी चाहता है। तो आइए इस हफ्ते जब हम सोचें, इन पंक्तियों पे गहराई से जांचें और इन पंक्तियों को अपने मनन करें, तो हम भी उसी उनकी तरह जैसे परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है, आत्मिक मनुष्य बने। आत्मिक मनुष्य परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकता है और परमेश्वर के कार्य को कर सकता है। उम्मीद करता हूँ इस छोटे से थॉट से आप प्रोत्साहित हैं और आनंदित हैं। इन वचनों पर मनन कीजिए और अपने जीवन में इसका उपयोग कीजिए। आमेन।